अगर हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी तो उनको गद्दी से उतारने का काम हम ही सेविका लोग करेंगे। कर ली जाती है, ये कौन सी नीति है सरकार की? जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। वो दोगुना करने की बात तो दूर जाए, अभी तक मिलने का भी काम नहीं किए हैं, इसलिए इस बार हम लोग तख्ता पलटने का काम करेंगे। दोस्तों, अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जैसे कि आपको कुछ दिन पहले बताया गया था कि किशनगंज में आंगनबाड़ी सेविकाएं द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन की जा रही है अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के। इसी बीच मधेपुरा में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें से मधेपुरा जिला के सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानना है कि हमसे दिन भर काम लिया जाता है, लेकिन बदले में हमको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, यानी कि काम के बदले सही दाम नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर के आंगनबाड़ी सेविकाएं धरना प्रदर्शन कर रही है। आप आगे सुनिए मधेपुरा जिला की सेविकाएं इस बारे में क्या कहती है। क्या नाम बताया आपना? देवी कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष, सह जिला महासचिव, मधेपुरा। आगे में देख रहे हैं बिहार चुनाव है, इसके लिए क्या जी? अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगती है और हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, तो इस बार हम लोग सभी सेविकाओं ने वादा किया है। तेजस्वी यादव हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उसने घोषणा पत्र में ये दिया था और उन्होंने घोषणा भी किया था कि अगर हम सरकार में आते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम सेविका सहायिका का मानदेय को दोगुना करेंगे। वो दोगुना करने की बात तो दूर जाए, अभी तक मिलने का भी काम नहीं किए हैं, इसलिए इस बार हम लोग तख्ता पलटने का काम करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी तो उनको गद्दी से उतारने का काम हम ही सेविका लोग करेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। ज्यादा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ज्यादा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रोटी रोटी कर दिया। जबकि हम लोगों को पेन पेपर से ही रजिस्टर्ड काम करना पड़ता था, लेकिन अभी सरकार की ये क्या नीति आ गई है जो रात के 12 बजे रात तक जब तक उसका वेबसाइट चलता रहता है, जिस नेटवर्क रहता है, उस जगह जाके हम लोगों को काम करना पड़ता है। अगर ये काम नहीं करे, 2-6 हजार मिलता है उसमें से भी मानदेय कटौती कर ली जाती है, ये कौन सी नीति है सरकार की, ये बताया जाए। और उसमें हमें नहीं आता तो हमारे पति, हमारे बच्चे सब उसी लाइन में लगे हुए रहते हैं इसी नेटवर्किंग के कारण। आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, धरना इसीलिए है कर रहे हैं। जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा तो धरना नहीं टूटेगा, धरना नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। मांग क्या है ये बताइए। मांग है 25,000 तत्काल दे सके, बाल बच्चा को पढ़ाने में हम लोग को नहीं होता है, 6,000 में कुछ नहीं है दे।